मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी लोगों की जिज्ञासा आ रही थी कि भैया अभी तक कितने लड़कों ने काउंसलिंग कराया है, कितने लड़कों को ने काउंसलिंग नहीं कराया है, कितने लड़कों को सरकारी कॉलेज मिला है, कितने लड़कों को सरकारी कॉलेज नहीं मिला, इसके बारे में बताइए। तो मैं आज इसी टॉपिक को ले आया हूँ। कल हालांकि ये वीडियो मुझे कल बनानी थी लेकिन कुछ आवश्यक कारणों की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब बना रहा हूँ। आपको आज जो है समझने में आसानी होगी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के एक कैंडिडेट हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बीएड से रिलेटेड अधिकतर हर कंटेंट बनाता रहता हूँ। कैसे आपको एडमिशन कराना है, कैसे आपको फाइल बनाना, कैसे आपको माइक्रो टीचिंग करना है, कैसे आपको पाठ योजना बनाना है, सारी चीज़ों की जिज्ञासा मैं आपको देता रहूँगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 59,000 अभ्यर्थियों ने नहीं कराई काउंसलिंग। जैसे कि देख रहे हैं कि BTC वर्सेस BED के चलते हुए 59,000 अभ्यर्थियों ने इस बार जो है काउंसलिंग नहीं कराई। आगे जो खबर देख सकते हैं ये अमर उजाला की खबर है और झांसी द्वारा प्रकाशित हुआ है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही BED की पहले चरण की काउंसलिंग जो है 59,789 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया। 15,211 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करके कॉलेज की च्वाइस भरी थी, जिसमें से 13,018 को कॉलेज आवंटित हो गया। उन्होंने इन्हें फीस जमा करने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया। जैसे कि गाइस जो पहले राउंड के लड़के हैं वो मेरी वीडियो ध्यान से देखिए। आप लोग, मैंने आपको कहा था कि आप जल्दी से जल्दी अलाटमेंट लेटर निकाल लीजिए, अन्यथा आपको दिक्कत होने वाली है। आपकी सीटें जो है कॉलेज वालों के द्वारा बता दिया जाएगा कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, आप जो सेकंड राउंड के लड़कों को जो भेजकर काउंसलिंग करा सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, इसीलिए आप 3 दिन के अंदर अलाटमेंट लेटर निकाल लीजिएगा और अपने कॉलेज के अंदर जल्दी से जल्दी विजिट कर दीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है जिनको पहले राउंड में कॉलेज अलाट हुआ है। गाइज आप देख सकते हैं कि पहले चरण में 1 से 75,000 रैंक तक अभ्यर्थियों को BED काउंसलिंग के लिए 15 सितंबर से शुरू हुआ था और 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिला था। 22 तक आप कॉलेज च्वाइस भरना था। 15,211 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लेकर प्रवेश के लिए पंजीकरण किया। इनके द्वारा भरे गए च्वाइस के आधार पर 13,018 को कॉलेज का आवंटन किया गया। 13,000 लड़कों ने सरकारी कॉलेज को पाया। कुछ लड़के इसमें प्राइवेट कॉलेज भी पाए होंगे, क्योंकि जिनकी रैंक अच्छी थी और काफ़ी लड़के तैयारी करना चाहते थे, उनको जो है प्राइवेट कॉलेज आवंटित हुआ होगा। और कुलपति सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये अभ्यर्थी 26 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करके 26 सितंबर मतलब आपको कल का और डेट दिया गया है, जो आपकी बकाया हुआ फीस है उसको जमा करके आप जो है कॉलेज में विजिट कर दीजिए। अगर आप कॉलेज विजिट नहीं करते, आप अलाटमेंट लेटर नहीं निकालते, तो आपका कॉलेज जो है कंफर्म नहीं होगा। और कॉलेज कंफर्म नहीं होगा तो आपका जो आप इतने स्टेपों से गुजर के आए हैं और फाइनली आपको थोड़ी की दिक्कत की वजह से आप जो है कॉलेज नहीं ले सकते, तो इसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी जो है काउंसलिंग कराइए और जो है पार्टिसिपेट करके जो अपने कॉलेज में विजिट करिए। जितने जल्दी आप कॉलेज में जाएंगे उतने जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा और उतनी ही जल्दी आपकी क्लासेज जो है चालू हो जाएंगी। इसीलिए गाइस आप जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में विजिट करिए अपना अलाटमेंट लेटर के साथ, और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट को भी लेकर जाइए। कुलपति सचिव विनय कुमार मिश्रा सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी 26 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करके आवंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय चरण की काउंसलिंग 75,000 1 से 2 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। 1 अक्टूबर तक पंजीकरण चलेगा। 3 अक्टूबर को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। 3 अक्टूबर को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब जो सेकंड राउंड लड़कियाँ, अब देख सकते हैं कि 2,193 को नहीं मिला कॉलेज, दूसरी काउंसलिंग में हो गए सम्मिलित। गाइस आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आपको पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप दूसरे राउंड में कॉलेज में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और आपको जरूर कॉलेज मिलेगा। इन्हीं लड़कों को कॉलेज नहीं अलाट हुआ है जिन्होंने एक कॉलेज डालकर दो कॉलेज डालकर जो है छोड़ दिया था। अगर 74,000 रैंक वाले लड़कों को भी इस बार जो है कॉलेज अलाट हो गया, अगली बार तो नहीं हुआ था लेकिन इस बार जो है, क्योंकि इस बार लड़के कम थे और सरकारी सीटें कम पाने वाले ऐसे भी होते हैं जिनकी, जैसे कि मैंने अपने मित्र का बताया कि 6,000 रैंक थी और उसने जौनपुर के 6 से 7 कॉलेज डाला था लेकिन उसको कोई भी कॉलेज नहीं अलाट हुआ। तो 2,193 को नहीं मिला सरकारी कॉलेज, दूसरे काउंसलिंग में होंगे सम्मिलित। कॉलेज च्वाइस के हिसाब से रैंक नहीं होने से 2,193 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं हो पाया। इनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने एक या फिर दो कॉलेज को चॉइस भरी थी। देखिए आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था एक दो चॉइस मत भरिए, क्योंकि हो सकता है जो कॉलेज आप डाले हों उस कॉलेज की डिमांड ज़्यादा हो और कॉलेज की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आपको वो कॉलेज ना अलाट हो पाए। तो इनमें ज़्यादा अभ्यर्थी 1 से 2 कॉलेज च्वाइस भरी थी। कुलपति ने बताया कि अब इन छात्रों को दूसरे काउंसलिंग में सम्मिलित होने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा 75,000 तक के जो अभ्यर्थी पहले चरण में काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए थे वो भी हिस्सा ले सकते हैं। गाइस आप
आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग बाद में सोच रहे हैं कि बीएड करना उचित है कि अनुचित है, तो आप जो है बीएड कर सकते हैं और जो है आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया चॉइस फिलिंग आपको केवल करना पड़ेगा, और जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा था पहले राउंड में, वो जो है चॉइस फिलिंग करके अपना जो है आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं कॉलेज या और जो चीज़ें, और 3 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रत्येक राजकीय अनुदित और कॉलेजों में बची 1627 सीटें, प्रत्येक राजकीय अनुदित कॉलेजों में बीएड की 8340 सीटें हैं। पहले चरण में 6713 सीटें भर गई, मतलब 5000 लड़कों ने जो है प्राइवेट कॉलेज को चूज़ किया है। 8340 सीटें हैं भरी 1627 सीटें बची हुई हैं। ये सीटें दूसरे चरण के काउंसलिंग में भरने की उम्मीद है। तो सरकारी सीटें जो है सेकंड राउंड के फेज में जो है अधिकतर भर जाएगी। तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए वो अधिक से अधिक लोग जो है काउंसलिंग कराइए और आपको ज़रूर सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये मेरा उम्मीद है और अनुमान है। और आप लोग बस यही है कि जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बीएड से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा आने वाले समय में, पाठ योजना कैसे बनाए, माइक्रो टीचिंग कैसे करनी है, आपको कैसे परसेंटेज लाना, क्या पढ़ के आपको परसेंटेज लगा, किस आधार पर बीएड में नंबर बनते हैं, सारी जानकारी मैं अपने इस चैनल पे देता रहूँगा, इसलिए आप चैनल पे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय इंटरनल, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी। आप भी अगर 2023 के कैंडिडेट हैं और पहले राउंड में आपको कॉलेज अलाट हो गया तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको जितने लोगों ने सरकारी कॉलेज पाया है, बहुत बहुत आभार।